खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। सबसे पहले पेश है मुख्य समाचार। हरियाणा सरकार ने केंद्र से की किसानों को बोनस देने की मांग। राज्य की 5 सरकारी खरीद एजेंसियों से कराई जाएगी FCI के हिस्से की खरीद। केंद्र सरकार की न्यूनतम समर्थन मूल्य सूची में शामिल की जाएगी 20 अन्य फसलें। और अब समाचार विस्तार से। बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए हरियाणा सरकार ने केंद्र से 1135 करोड़ रुपए की मांग की है। वहीं केंद्र से किसानों को बोनस दिए जाने और फसल खरीद के मानकों में रियायत देने का भी आग्रह किया है। नुकसान की समीक्षा के लिए केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा जन वितरण मंत्री रामविलास पासवान की अध्यक्षता में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान के साथ केंद्रीय टीम के प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को चंडीगढ़ का दौरा किया और मुख्यमंत्री और राज्य के मंत्रियों के साथ बैठक कर स्थिति का जायजा लिया। केंद्रीय टीम ने राज्य की मांगों पर सहानुभूतिपूर्ण जल्द विचार कर निर्णय लेने की बात कही है। राज्य सरकार की तरफ से जो है 1135 करोड़ रुपये का जो अभी एक तारीख से 1 मार्च से लेकर के 22 मार्च तक जो क्षति हुई है उसका उन्होंने केंद्र सरकार से जो मांग किया है क्षतिपूर्ति के रूप में, जिसमें कृषि फसल का क्षति का जो है 537 करोड़ रुपया है, जो हॉर्टिकल्चर्स हैं उसमें 21 करोड़ है, बिजली आपूर्ति के लिए बिलों के विरुद्ध जो है 30 करोड़ है, और कोऑपरेटिव जो कृषि लोन का रीस्ट्रक्चरिंग है उसके लिए 281 करोड़ है, पशु चारा 28 करोड़ है, रोजगार के लिए सृजन के लिए 193 करोड़ जो मनरेगा वगैरह होता है, और PWD का जो सड़क का मरम्मती है वो 45 करोड़ का है। तो कुल मिलाकर के 1135 करोड़ बनता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भारतीय खाद्य निगम केवल 12% गेहूं की खरीद करता है, जबकि शेष खरीद राज्य की 5 सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा FCI के लिए ही की जाती है। उन्होंने कहा कि हमारी एजेंसियां पूरी तरह से सक्षम हैं और FCI के 12% हिस्से की खरीद भी राज्य की एजेंसियों ने करने की सहमति व्यक्त की है। मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता में बोल रहे थे। वार्ता में मौजूद केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने स्पष्ट किया है कि भारतीय खाद्य निगम के पूर्ण गठन पर बी शांता कुमार कमेटी ने अपनी सिफारिश की है, जिसमें ये कहा गया था कि FCI को उन राज्यों की ओर खरीद के लिए बढ़ना चाहिए जहां पर अब तक खरीद नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि हरियाणा अपने स्तर पर खरीद करने में सक्षम है, इसलिए यहाँ पर इस बार FCI खरीद नहीं कर रहा है। हमारे यहाँ हरियाणा सरकार की 5 एजेंसीज पहले से भी खरीद में है, मात्र 12% FCI खरीदती थी, और इस बार जब ये प्रपोजल आया कि क्या अपनी 5 एजेंसीज खरीद में सक्षम है, तो हमने कहा हमारी 5 एजेंसीज खरीद में सक्षम है। इसका ये अर्थ नहीं है कि FCI की ओर से हमें कोई मना किया गया है या FCI हमारा कोई सहयोग नहीं करेगी। सारा अन्न FCI के बिहाफ पर ही खरीदा जाएगा, उन्हीं के पास जाएगा। ये FCI मैकेनिज्म में 12% हम खरीदेंगे, 12% हमने बांट दिया है। एक मिनट पूरा स्पष्ट हो जाए विषय। ये 12% हमारी जो 5 एजेंसीज हैं उन्होंने तय कर लिया है, किसी को 4% उसमें बढ़ाया, किसी को 5% बढ़ाया, किसी को 3% बढ़ाया, इसलिए वो 12% का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। दूसरा, दुर्दैव से इस बार चूँकि नुकसान हो रहा है, इस नुकसान में भी हमारा जितना टारगेट था खरीदने का उसमें भी कमी आई है, इसलिए हमारी जितनी अपनी 5 एजेंसीज हैं उनकी जो कैपेसिटी है खरीदने की उससे भी कम खरीद हो पाएगा, क्योंकि उसमें कुछ नुकसान आ रहा है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार की सूची में 22 फसलें शामिल हैं, जबकि केवल गेहूं और चावल की ही न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है। बालियान चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ नुकसान की समीक्षा बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में हिस्सा ले रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गेहूं चावल के अलावा शेष 20 फसलों के लिए कोई न कोई एजेंसी बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हित में हर संभव प्रयास करेगी। 22 क्रॉप का MSP डिक्लेयर करती है सरकार, 22 में से सच मायने में तो 2 क्रॉप का गेहूं और चावल की खरीद होती है, 20 की अभी तक भी कोई खरीद की व्यवस्था सही तरीके से नहीं है। जब तक मार्केट और सब चीजें मिला के नहीं करेंगे, तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट अच्छी है,
लेकिन मैंने संसद में भी कहा था कि इसे किसान के लिए रामबाण ना माना जाए आज की स्थिति में, क्योंकि 20 की सच मायने में तो है कि 20 फसलों की तो सरकार आज तक देश में खरीद करती ही नहीं आई, दो ही तो है जब से आई खरीद करती है, तो पहले खरीद की व्यवस्था हो, सारी चीजें एक साथ चलेंगी, फेज्ड मैनर में उसको मानने की बात की जा रही है। खबर हरियाणा में आज बस इतना ही, अगले बुलेटिन में फिर हाजिर होंगे ताज़ा तरीन खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।